अस्सलाम वालेकुम अजीज साहबा साले दो उर्दू अदब। आज का हमारा लेक्चर मसमून साइंस के करिश्मे। पहले हमने मुख्तलिफ मजामीन उनका आगाज किया हुआ, हम उन्हें मुकम्मल कर चुके। आज साइंस के करिश्मे इस हवाले से हम बात करेंगे। ये मुख्तलिफ जो हैडिंग उनके तहत ये मसमून आपको आ सकता है। साइंस के एजादात, साइंस रहमत या जहमत, साइंस के करिश्मे, साइंस के फ़ायदे, कोई भी जो हेडिंग हो उसके तहत आप ये मज़मून लिखेंगे। साइंस जो है यह बुनियादी तौर पर इंसान की एक ऐसी काविश और कोशिश जिसकी बुनियाद पर दुनिया ने बेपनाह तरक्की की है। आप इस दुनिया पे गौर कर लीजिए, इब्तदाई इंसान जो था वो जंगलों में रहता था, उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने रहने के लिए गारों में पनाह ली है ताकि वह जंगली दरिंदों से बच सके। इसी को बढ़ाते हुए उसने हड्डियों के जरिए से, पत्थरों के जरिए से औजार बनाए हैं ताकि वो अपने आप को जंगली जानवरों से बचा सके। और यही दर हकीकत साइंस की जो इब्तदाई कोशिशें हैं उन्हीं की एक कड़ी है। और यही कोशिश आगे बढ़ते हुए इंसान ने जब जमीन में हल चलाया, ज़मीन को नरम करना था तो उस काम के लिए उसने हल चलाया और ये सारे जो आलात बनाए ये भी साइंस के ही करिश्मे थे। आहिस्ता आहिस्ता यही चीज़ बढ़ते हुए उसने पहले, यानी इंसान ने पहले पत्तों से, दरख्तों की छाल से, जानवरों की खालों से अपने कपड़े बनाए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आलात वजूद में आते चले गए तो लिबास जो था उसे बाकायदा तौर पर आलात के ज़रिए बनाया जाना शुरू कर दिया। इंसान ने पहिए की इजाद की और ये पहिए की इजाद जो थी ये दर हकीकत इंसानी तरक्की का एक अहम मोड़ था, जिसके बाद साइंस इस हद तक आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। इंसान ने इस कदर अरूज के जो मनासिल तय कर ली कि आज का इंसान जब कदीमे वस्ता के इंसान के बारे में सोचता है तो हैरान रह जाता है। यानी सारी बात से अगर हम देखें तो साइंस का आगाज उतना ही पुराना है जितना इंसानी तारीख, कि इंसान ने अपनी पैदाइश के साथ ही मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में गौर करना शुरू कर दिया और इस चीज़ का आगाज बढ़ते बढ़ते अब उरूज पे जा पहुंचा है। आप यूरोप की सनअती तरक्की देख लीजिए, उसका नतीजा क्या निकला है कि हर चीज़ जो है वो सनअती इंकलाब की बदौलत तब्दीली की तरफ गामजन हो चुकी है। इंसान का चांद पे पहुंचना, इंसान का जो अजराम फलकी हैं उन पे कुमंद डाल लेना दर हकीकत इंसान की शुवाना रोज जो मेहनत है उसका नतीजा है। यह साइंस की ही करिश्मा साफिया है कि इंसान के जो पुराने तखयलात थे, हकीकत जो तखयलात थे वो हकीकत बन चुके हैं। इंसान का यकीनन ख्वाब था कि वो परिंदे की मानिंद हवा में उड़े और इस ख्वाब ने हकीकत का रूप धार लिया और आज ना सिर्फ इंसान फजा में उड़ रहा है बल्कि इसके साथ साथ समंदर की तह में भी तसव्वुर कर रहा है। इसी तरीके से फासलों के जो तय करना है, हवाई जहाज, मोटर गाड़ियाँ, रेल, ये सारी ऐजादात की ऐसी किस्में हैं जो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते हुए आगे की तरफ इस मैदान में इंसान बढ़ता चला जा रहा है। इब्तदा में जब टेलीफोन की इजाद हुई है तो किसी घर में टेलीफोन, लेकिन वही अब पढ़ते हुए आप देखें कि हर घर में हर बंदे के पास एक एक दो दो मोबाइल फोन हाथ में पकड़े हैं। ये इजादात हैं जिसका ये नतीजा है कि इंसान मुकम्मल तौर पर साइंस के एक तरीके से शिकंजे में जकड़ा गया है। बनजर गायर अगर देखें तो नतीजा ये है कि इंसान अपने जिस्म की जो ताकत है उसे जहनी लिहाज से तो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जिस्मानी लिहाज से वो सारे काम साइंस के रहीने में जाते हैं। अब किताबें, पहले मुख्तलिफ किताबें छापी जाती थी और इस काम के लिए महीनों दरकार होते थे, लेकिन अब एक किताब लें, उसकी पीडीएफ फाइल बनाएं और वो एक छोटे से मोबाइल के अंदर आपके ढेरों जो किताबें हैं वो समा जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम तिब का मैदान देखें तो तिब के मैदान में जब बीमारियां फैलती थी तो उसका नतीजा ये निकलता था कि इंसान को तरह तरह से तकलीफ दी जाती और उसके बाद उन बीमारियों से निजात हासिल की जाती।
इंसान मरते भी और वो सारे सिलसिले भी आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन अब मुख्तलिफ बीमारियों के जो इलाज हैं उन्हें वो दरियाफ्त हो चुके हैं और अब तपदक और कोड जैसी जो बीमारियाँ थी उनसे मुकम्मल तौर पर बचना मुमकिन है। इसी तरीके से अगर हम ज़राअत का मैदान देखें, मुख्तलिफ किस्म के जो हैं बीज हैं जिस चूँकि बोते हैं और नतीजे के तौर पर तरह तरह के जो अजनास हैं वो हम ज़मीन से हासिल करते हैं। इसके साथ साथ जब हम मुख्तलिफ जो हैं आलाते कंप्यूटर देखते हैं हम हैरान रह जाते हैं कि इन आलाते कंप्यूटर ने ज़िंदगी को किस हद तक आसान कर दिया है। आप एक जगह पर बैठे हैं और बैठे हुए आप दुनिया के कोने कोने में तमाम अफराद से आपका रब्ता है, आप जहाँ चाहें बातचीत कर सकते हैं, जहाँ चाहें आप अपना रब्ता कर सकते हैं, उसके लिए जगह की वक्त की कोई कैद नहीं है। और अगर अब हम साइंस की हलाकत फेजियों का देखें तो जितनी इंसान ने तरक्की की है उतनी ही उसकी हलाकत फेज की है। इंसान आराम तलब हो गया है, नफ्स परस्ती बढ़ गई है, ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आसानी को सामने रखा जाता है, हर चीज़ की अहमियत है सवाए इंसान को। जिस तरीके से मशीनें बग़ैर दिलो दमाग की हैं ऐसे ही इंसान बग़ैर दिलो दमाग के पैदा होना शुरू हो गए हैं। आपको अपने साथ वाले हमसाये का कुछ नहीं पता कि वो भूखा है, प्यासा है या किस हाल में है। अलगर्ज है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत एहसास मुरवक को उछल देते हैं आलात। और अब हम उसी जगह पर आ चुके हैं कि हमारे तमाम एहसास इन मशीनों ने कुचल के रख दिए हैं, हमारे एहसास हमारे जज्बात मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो चुके हैं और अब हम कंप्यूटर लैपटॉप और मोबाइल की तरह चलते चलते फिरते मशीनी इंसान तो हैं लेकिन हमारे अंदर हकीकी मायनों में जो ज़िंदगी की रूह है वो ख़त्म हो चुकी है। इस हवाले से आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, मज़ीद कोई वजाहत तलब बात है आप उस पर डिस्कशन करें। और साथ ही जी आप फांसी के लिए भी अटेंटिव हो जाइए।